नमस्कार दोस्तों, एक हम पत्रकार के बारे में आज बात करेंगे और बिहार के सबसे ईमानदार सीएम कुशासन सरकार, जहां पर घुसखोरी नहीं होती है। ये सरकार को का नाम है, वहां के लोगों का नाम है। बट बख्तियारपुर नीतीश कुमार साल में 4 से 5 बार जाते हैं, माला डालते हैं, चढ़ाते हैं वोट पाने के लिए। विकास के कोई उसमें लेन देन नहीं है, ये आपको हम सबूत इसमें दिखाएंगे वीडियो में। विकास के नाम पर जीरो, लेकिन वोट पाने के नाम पर फूल माला गांधी जी में डाल दो, फलना जी में डाल दो, ढेकना जी में डाल दो, वोट मिल जाएगा उसे, नो डाउट। जनता तो बुर्बक है, बुर्बक बनाओ, वो भी हम सबूत दिखाएंगे आपको कैसे होता है। हर बार वीडियो लेकर आएंगे ऐसे ऐसे। मनीष कश्यप भाई हमारे माइक लेकर चौ पे, इसलिए क्योंकि वहां पर बख्तियारपुर में नीतीश कुमार माला डालने गए थे, एक नौजवान ने उन पर थप्पड़ मार दिया पीठ पर। बताओ, सीएम के रहते हुए, सीएम एक बहुत बड़ा पावर होता है भाई, पूरे बिहार के एक नेता, एक आदमी जो बिहार के सुरक्षा की जिम्मेवारी होता है, अगर उन पर हाथ छूट जाए तो समझिए कि बिहार पूरा और बिहार के सीएम खतरे में। बिहार के सुरक्षा कर्मियों, पहले तो जितने थे उनके बॉडीगार्ड सुरक्षा, उनको तुरंत हटा देना चाहिए। नौजवान फिर से एक नया भर्ती लेकर अच्छे अच्छे उसमें कमांडो डाल देना चाहिए, मैं यही कहूँगा, और बाकी सबको हटा देना चाहिए। अब हुआ इनका माला डालने की बात, उस गिरफ्तार कर लिया गया, साझा कितना हुआ मुझे मालूम नहीं है। माइक लेकर मनीष कश्यप वहां पर सब तक न्यूज चौंकता है जनता के बारे में एक्सपोज करने कि भाई यही हॉस्पिटल है, यहां से 400 मीटर दूर है, वहां पर डॉक्टर अच्छे नहीं है, डॉक्टर है नहीं, सोने का जगह नहीं है भैया, सुई देने वाले कुकुर को देते हैं लेकिन आदमी की नहीं दे सकते हैं। अब बताओ, जो सीएम जाता हो साल में 4 बार 5 बार चल जाता हो हॉस्पिटल को, ये दुरुस्ती हाल है तो बिहार का अन्य हॉस्पिटलों को क्या हाल होगा। ऐसे तमाम वीडियो आप लोगों के बीच में आएंगे जो बेड होता है, बेड पर मरीजों का इलाज होता है, लेकिन बिहार में बेड पर मरीजों का नहीं, कुकरों का इलाज होता है। अब बख्तियारपुर के जनता बता रहे हैं 400 मीटर दूर, जहाँ नीतीश कुमार 4 बार 5 बार चल जाते हैं, 5 साल में 6 बार 7 बार चल जाते हैं, वहां पर हॉस्पिटल 400 मीटर दूर है, तो उस हॉस्पिटल की इतना दुर्दशा खराब है। और दुर्दशा जनता, मैंने कि सीएम में खराब नहीं है, सीएम बहुत अच्छा है, चुनाव आता है, जनता को क्या चाहिए, मूर्ख समझने वाले नेता जानते हैं कि कैसे हमारे जनता मूर्ख बनेंगे। 5 किलो चावल, 2 किलो गेहूं, पाव उसमें चन्ना, 100 ग्राम दाल दे देंगे, जनता खुश, हो हो क्या काम हुआ है। भाड़ में जाओ हॉस्पिटल और भाड़ में जाओ तब भूख देगा कौन बे, 5 किलो नहीं चना लोगे, 5 किलो चना ले लो, 10 किलो गेहूं ले लो, दाल ले लो, अब तुम लोग क्या चाहिए, रोजगार, ये सब झूठ मूठ के सवाल उठा रहे हो आप लोग यार, मनीष भैया झूठ मूठ हो रहा है। जनता को सब समझते हैं नेताओं लोग के क्या करना चाहिए, चुनाव आएगा आपको ये आश्वासन दिया जाएगा, अनाज मिलेगा, स्कूल आपको इंग्लिश मीडियम हो जाएगा, होता है कहीं तो बिहार की ही दुर्दशा है। अगला वीडियो में हम जरूर लेकर, मनीष कश्यप को ये सब इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए, नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम ये गलत कर रहा है, मनीष कश्यप को फौरन हटा देना चाहिए बिहार से और दूसरों राज्य में भेज देना चाहिए। बताइए, आप 5 किलो अनाज देते हैं, 10 किलो गेहूं दे देते हैं, अनाज मैंने 10 किलो से ज्यादा दे देते हैं, बेचारा कितना देते हैं, एक आदमी पर शायद 7 किलो है कि 5 किलो, 5 किलो देता है, अब मतलब 1 किलो 5 किलो दे रहे हैं, और क्या चाहिए तुम लोगों के यार, क्या चाहिए, कुछ नहीं, बस इतने पर जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार में शराब बंद है ना, बंद है, हाँ बंद ही होगा, काहे ना बंद होगा, हम चलते हैं, मेरा बताना यही था कि 5 किलो अनाज पलो भाई बह त घासे भूसा नु खाइब हैं, विकास लेब, 5 किलो नजब ले लेब, 5 चावल ले लेब, वो कम करब, दाल बक्खा आराम से घर सुत, ये सब रोड पर आकर आप मीडिया के देखते देखते भड़भास निकला तला झूठ मूठ के गलत बात पर, क्या चाहिए तुम लोगों को, 5 किलो रोज सरकार इतना सस्ता में चौपा देता है, अब क्या चाहिए अब क्या चाहिए।